भाविकांचा प्रवास सुखद व आरामदायक व्हावा म्हणून हज कमिटीच्या वतीने सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत अशी माहिती राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हज यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुखद आणि आरामदायक व्हावा म्हणून हज कमिटीच्या वतीने सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. येत्या 14 जुलैपासून राज्यातील 14,645 हज यात्रेकरू जाणार आहेत. यासाठी राज्यभर दौरे करून हज यात्रेकरूंची भेट घेऊन त्यांना मार्गदर्शन आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेत असल्याची माहिती राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी 16 जूनला सुभेदारी विश्रामगृह येथील पत्रकार परिषदेत दिली. हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर अभी उनका एक पोर्टल बनाया गया है. उस पोर्टल में जो लिस्टेड लोग हैं उनका नाम रहेगा, उनके सर्विसेज रहेंगे, वो क्या देने वाले हैं वो सारी डिटेल रहेंगे. जो उमरा पर जाता है वो अगर उनसे बुकिंग करता है तो उनके साथ अग्रीमेंट करेंगे और उस अग्रीमेंट का कॉपी हज कमेटी के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी देंगे. वो अगर सर्विसेज को नहीं मिलती हैं, जो प्रोसेस किए गए वो फुलफिल नहीं होते, वो शिकायत करेगा और उन हाजियों का जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ऐसे प्राइवेट टूर ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगी. ये व्यवस्था हमने की है. पहले कोई अथॉरिटीज नहीं था जो चेक करे. अभी हमने एक रेगुलर बॉडी बनाई है, एक गाइडलाइन बनाया है. उस गाइडलाइन के तहत जो काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे. हमने अभी तक लॉ एजेंसी नहीं थी हमारे पास, हज कमेटी महाराष्ट्र के पास. हमारे हज यात्री हैं, उनके प्रशिक्षण उनके तैयारियों का मुआयना के लिए आए हुए हैं. इस बार महाराष्ट्र से 35,711 लोगों ने फॉर्म भरा था. कितना सर एक बार कितना भरा था? 35,711 लोगों ने फॉर्म भरा था. उनमें 14,645 लोग जो है हज पर जा रहे हैं. इस बार महाराष्ट्र से 2,254 लोग ऐसे हैं जो 70 साल के ऊपर के उम्र के हैं, वो सभी लोग हज पर जा रहे हैं. इस बार महाराष्ट्र से जो गैर महरम विदाउट महरम का कोटा है, सोलापुर से 8 बहनों ने फॉर्म भरा है, नागपुर से 18 बहनों ने फॉर्म भरा है, अकोला से 5 बहनों ने फॉर्म भरा है. जो बिना महरम के हज पे जा सकती है हमारी सरकार ने उनको सुविधा दी है. इस बार इतनी हमारी गैर महरम बहने जा रही है. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से 3,824 लोगों ने फॉर्म भरा था. यहाँ से जो जाने वाले हमारे हाजी हैं 1,241 हाजी इस बार यहाँ पर हज से हज पे जा रहे हैं. जो हाजी हज पर जाने वाले चांदला है, भीड़ है, आपका हिंगोली है, परभनी है, पहले उस्मानाबाद है, इन हाजियों को पहले 2 दिन पहले रिपोर्टिंग करना पड़ता था. इसके वजह से हाजी अपने रिश्तेदारों के साथ में 2 दिन पहले औरंगाबाद आता था, उसको यहाँ रुकाया जाता था. बहुत अच्छा इंतज़ाम होता था, लेकिन बहुत अच्छे इंतज़ाम के बाद भी बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती थी क्योंकि संख्या बहुत होती थी. इस बार हमने ये तय किया है कि 2 दिन पहले किसी को इम्बार्केशन पॉइंट पर लाने की आवश्यकता नहीं है. हम अपने हाजियों का जो रिपोर्टिंग है वो उनके शहर में करेंगे. उसके लिए हमने जिला हज कमेटी बनाने का काम किया है, उसका पूरा फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट हो गया है. इंशाल्लाह आने वाले 10 दिनों में हम उसको घोषित कर देंगे. जो हाजियों की खिदमत में काम करने वाले लोग हैं, जैसे पहले खातिर हजाज कमेटी काम करते थे, NGOs काम करते थे, उनको ठेका मिलता था. अभी हम लोग उस काम को हज कमेटी के जरिए करने वाले हैं और उस काम को करने के लिए हज कमेटी या डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हम लोग हाजी दोस्त भी बनाने वाले हैं, उनके जरिए हम लोग काम को अंजाम देने वाले हैं. 2019 या वर्षाच्या हज यात्रेकरूंना प्रशिक्षण आणि तयारीचा आढावा घेण्यासाठी हज समितीने अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी राज्यभर दौरा करत आहेत. त्या अनुषंगाने रविवारी औरंगाबादवरून हजला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना प्रशिक्षण आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. ते म्हणाले, यंदा हजला जाण्यासाठी राज्यातून 35,700 फॉर्म भरले आहेत, त्यापैकी 14,645 जणांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात 2,054 यात्रेकरू हे वयाची 70 पार केलेले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातून 3,854 अर्ज दाखल झाले होते, त्यापैकी
1241 नागरिक हजला जातील। यासाठी राज्यातील 3 पॉइंट निश्चित केले असून यात औरंगाबाद, नागपूर आणि मुंबईचा समावेश आहे। येत्या 14 जुलै रोजी मुंबईवरून हजला पहिले विमान उड्डाण करेल, त्यानंतर 22 जुलै औरंगाबाद आणि 25 जुलै नागपूर विमानाने हजला रवाना होतील। यावर्षी हैदराबादवरून लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यातील 178 यात्रेकरू हजला रवाना होणार आहेत। यावेळी एजाज देशमुख, डॉक्टर शाकिर राजा, नबी पटेल, फिरोज कुरेशी, दौलत पठाण, मंसूर पटेल, अमीजोद्दीन इनामदार, मेहविश खान यांची उपस्थिती होती।